अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ये देखें दोस्तों, ये कौवा जो है ना, नज़र आ रहा है आप लोगों को, ये बार बार मेरे पेट्स को तंग कर रहा है। आई डोंट नो इसको प्यास लगी है, क्या चक्कर है, मुंह इसका बिल्कुल खुला हुआ है, क्या इसे प्यास लगी है। क्योंकि मैं अपने मास्टर केज जो हमारे, ये देखें मास्टर केज है ना, ओपन है, अंदर मैंने मलका को खुला छोड़ा हुआ है। ये जो हमारा मास्टर केज है ना, इसके अंदर मतलब मलका को खुला छोड़ा और ये नीचे वाला पोर्शन मैंने बंद किया हुआ केज का, और बाकी हमारे ये देखें सारे के सारे पेट्स जो है ना माशाल्लाह, ये बाहर घूम रहे हैं तकरीबन आधे घंटे से। तो आधे घंटे से मैंने इनको जो है बाहर छोड़ा हुआ, ताकि ये थोड़ा सा टहल लें, थोड़ा सा जो है ना चल फिर लें। तो बाजरा वगैरह मैंने इनको बाहर ही डाल दिया था, मैंने कहा चलो भाई खुले में खाओ। और हमारा वो एक मील किधर गया, एक दो तीन, एक बच्चा किधर चला गया, ये बैठा हुआ है। अच्छा ये बड़ा नाज नखरे वाला है, किधर गया ये देखें, उसके काम देखें, अंदर ही बैठा हुआ है। सारा दिन अंदर ही रहते हो बेटा, बाहर आ जाओ, क्या हो गया, बाहर दिल नहीं लगता, ऐसा कुछ डर पोक कबूतर अंदर ही बैठा रहता है सारा दिन। अभी मैं निकाल के बाहर गया हूँ, तो फिर अच्छा पिजन्स वगैरह को बाहर मैं अलग से दाना वगैरह डालूंगा, क्योंकि दोस्तों मुर्गियाँ जो है ना इन्हें सही तरह से खाने नहीं देती। तो दरमियान में ना मैंने बाजरा वगैरह, जैसे बच्चे निकले थे ना जब ये वाले छोटे थे, ये जो अब बच्चे बड़े हो गए जो उड़ने लग गए, जब ये वाले बच्चे छोटे थे तब मैंने बाजरा अंदर रख दिया था, जब ये बड़े हो गए थे फिर मैं अंदर रखना मैंने बंद कर दिया था। तो बीच में बच्चे उठा लिए थे, जब दूसरा क्लच आया तो बीच में बच्चे उठा लिए थे, और फिर बाजरा अंदर मैं नहीं रखता था शुरू में, बच्चे भी छोटे थे तो इतने अंदर फीड की ज़रूरत नहीं होती थी। अब बच्चे बड़े हो गए तो आज से मैंने जो है ना वो अंदर बाजरा रखना शुरू कर दिया, तो आज इतनी दिलचस्पी भी नहीं ले रहे बाजरे में। और बच्चों को मैंने चेक किया था जब बाहर निकाले ना, तो उनके पोटे भी बड़े आउट क्लास फील हुए हुए थे। तो बाजरा अंदर रखना बहुत ज़रूरी है, 20-25 दिन की तो बात होती है, सारे 25 दिन में कबूतर पूरा बन जाता है बच्चे से, तो वो फिर खुद खाना पीना शुरू कर देता है। तो ठीक है दोस्तों, अंदर चलते हैं, अंदर जाके देखते हैं मलका की सूरत हाल। उनको फीड शीड वगैरह डाल दी थी हम लोगों ने, तो देखते हैं उन्होंने खाई है नहीं खाई। तो इन जितने भी ये बच्चा पार्टी बाहर निकले हुए हैं, ये घूम फिर रहे हैं, किधर है, कुछ इधर फिर रहे हैं और कुछ इधर फिर रहे हैं। इन सबको अंदर इनके खुड्डे शुड्डे में बंद करते हैं दोबारा, और फिर आज मैंने मॉर्निंग के अंदर कुछ बर्ड को मैं छोड़ देता हूँ, कुछ को इवनिंग में छोड़ देता हूँ, तो आज मैंने मॉर्निंग में किसी को भी नहीं छोड़ा। तो इट मींस कि अभी हमें बारी बारी सब बर्ड्स को छोड़ना पड़ेगा। तो इससे पहले जल्दी से अंदर चलते हैं, अंदर जाके जो है ना वो मलका को देखते हैं, मलका और उसके बच्चों ने कुछ खाया पिया है या नहीं, तो फिर बाहर निकल के अपने बाकी पेट्स को देखते हैं। सबसे पहले इस लड़के को बाहर निकालें, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता ये अंदर बैठा हुआ है, ये बाहर क्यों नहीं जाता, बाहर एंजॉयमेंट करो, चलो लड़के बाहर 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 इधर बाहर, पकड़ा ही नहीं जा रहा दोस्त, वो चला गया उड़ के बाहर। इसको तो बाहर निकाल दिया, अब देखते हैं अपने बच्चे बच्चों को। ये देखें माशाल्लाह, सारे के सारे बच्चों के पोटे छोटे भर चुके हैं, बड़े बहु रामी किस्म के पोटे भर लिए इन्होंने। और मलका आज बहुत अग्रेसिव है, और मलका की आप पूंछ देखें, मलका की पूंछ, मलका पूंछ लैस हो गई ये देखें मलका जो है वो पूंछ लैस हो चुकी है, इतनी तेजी से क्रीज कर रही है। लास्ट टाइम भी मैंने आपको, लास्ट वीडियो में या एक दो वीडियो पहले मैंने आपको बताया था, और अब मैं आपको मलका के पर दिखाता हूँ। आज जैसे ही मैंने जंगला उठाया और इसने ऐसे पर मारे है ना, इधर तो पर हो गया इसका। तो ये देखें वो प्लेट के पीछे, उधर आगे पीछे, और ये देखें ये सारे के सारे हमारी इस मलका मैडम के पर हैं, और मलका जो है वो तेजी से कुरीस कर रही है। ये पूंछ की कुरीस तो बड़ी अच्छी से करती है, बॉडी की तो बहुत कम कुरीस ये करती है, लेकिन यह कि टेल की कुरीस जो है ना, ये बड़ी अच्छी कुरीस करती है, पूरी की पूरी टेल उतार देती है। और जो इसके पर है ना, जो इसके विंग्स हैं,
दोनों साइड के, ये भी बहुत आपको ढीले ढीले से मालूम हो रहे होंगे, ये भी अंदर से खाली हैं, ये बहुत कम पर इसके अंदर लगे हुए हैं। अभी ये सारे अपने न्यू पर निकालेगी और अपनी कुरीज वगैरह मुकम्मल करेगी, अच्छी बात है। वैसे दोस्तों ये कुदरत की तरफ से देखें कुरीज का अमल है। मेरे ख्याल से जो अंडे वाली मुर्गियां होती हैं या दूसरी मुर्गियां होती हैं कोई भी नस्ल की, वो कुरीज नहीं करती, असील मुर्गियां कुरीज करती हैं, क्योंकि कितनी गर्म होती हैं। अगर गर्मी के अंदर भी इनकी बॉडी पे उसी तरीके से पर रहें तो ये तो अपनी गर्मी से ही बर्ड एक्सपायर हो जाए, तो कैसा कुदरत ने निज़ाम रखा हुआ है। जैसी गर्मी जोर की पड़ती है इनकी बॉडी से पर झड़ जाते हैं, तो इन्हें हवा लगती होगी। ज़ाहिर है कोई भी अमल ऐसा नहीं है कि जो बेमकसद हो, ऐसा ही हो बस। तो देखें आप, वाह क्या बात है। तो अब जल्दी से जल्दी कुरीज ये करें, और कुरीज की एहतियात दोस्तों मैं तो पूरा हर वक्त ही होती है, कुरीज की सबसे ज्यादा एहतियात यही होती है कि जगह नरम हो, और इसकी जगह थोड़ी सी सेट करनी पड़ेगी ताकि ये मिट्टी में नहा सके। इधर देखें, इधर ये मिट्टी बहुत ज्यादा सख्त हो चुकी है पानी गिर गिर के ना। पहले भी आपको पता है कुछ दिन पहले हम लोगों ने यहां से सफाई की थी, तो ये फिर किसी वीडियो का अंदर हम ये वीडियो के अंदर हम ये सिस्टम देखेंगे इसका, इसका मतलब जगह वगैरह नरम करेंगे इसकी, ताकि मिट्टी में नहाए शहाए और अच्छे पर इसके जो है निकले। बाकी आप चूजे वगैरह भी देखें आपको ग्रोथ इनकी कैसी लग रही है। मुझे तो माशाल्लाह सही लग रहे हैं, बच्चे एक्टिव हैं, और ये हैं भी प्योर देसी बच्चे, इस वजह से थोड़े से स्लिम स्मार्ट होती है इनकी बॉडी ऐसी। बाकी आपको मैं अपनी वाइट मुर्गी दिखाऊं ना, एक मिनट रुके। जैसे इस मुर्गी के अंडे में से जो बच्चा निकला था, 8 बच्चे हमारे पास निकले थे ना देसी, किधर गए सारा का सारा, ये छुपे हुए। ठीक है दोस्तों, ये देखें हमारे पास कितने बच्चे निकले थे, मुझे तो जहन से मेरे निकल गया। हमारे पास निकले थे तकरीबन आई थिंक 14 बच्चे निकले थे। यस, मैंने वीडियो भी बनाई थी 14 out of 14। आप लोगों ने बड़े अच्छे दिन थे वो भी, बड़ा मजा आया था। तो जिसके अंदर से 8 बच्चे तो ये थे जो कि मैंने देसी मुर्गियों के अंडे रखे थे अपनी, जो कि इनकी मदर्स थी वो भी मेरे पास मौजूद थी। आप लोगों को पता ही होगा, न्यू कमर्स को नहीं पता तो बैक वीडियोस जाके देखें, आपको इनके माता पिता वहां पे नजर आ जाएंगे। बाकी जो है 6 अंडे मेरे ख्याल से इस मलका के अपने थे, जो इसके नीचे मैंने रखे हुए थे 8 और 6 14। हाँ, 14 के 14 बच्चे इसने निकाले थे हमारी इस मुर्गी ने, माशाल्लाह निकाले थे। तो उसमें से मैं आप लोगों को जो बताने वाली बात थी ना, वो ये थी कि ये देखें, ये जो व्हाइट कलर की मुर्गी है ना, ये प्योर देसी ये मुर्गी है कुड़क होने वाली, और ये निकली है। इसका मैंने शायद एक ही अंडा रखा था इस मुर्गी का, तो ये इसके अंडे में से निकली है, तो मुझे ये भी पता चल गया कि इसका ब्लड क्या है। तो अगर हम इसके अंडे रखेंगे, और मुर्गा काला स्याह इसके साथ लगा हुआ था दोस्तों, आपको याद होगा काला स्याह मुर्गा इसके साथ था, बिल्कुल यही मुर्गा तो था, मौलवी लगा हुआ था इसके साथ, तो इसने ये कलर हमें दिया प्योर व्हाइट। तो इसके अंदर मुर्गी के एक अंडे में से ये बच्चा निकला है, हमारी लक है। तो अगर मैं ज्यादा अंडे इसी मुर्गी के नीचे रखता तो मे भी हमें कितनी प्योर व्हाइट कलर की मुर्गियां हमें मिलती कुड़क होने वाली। तो असल बात जो आपको बता रहा था वो ये है, आप बाकी मुर्गियों की ग्रोथ चेक करें, इस मुर्गी को देखें या बाकी इन मुर्गियों को देखें, ये जितनी है ये सारी जो है ना बड़ी बड़ी लगती है, इनका चेहरा रेड हो रहा है और मतलब के ग्रोथ इनकी जा रही है सही। और इस मुर्गी को आप देखिए कितनी स्लिम स्मार्ट है, और ये अभी तक कैसे लगती है जैसे ये 3 महीने की या 2.5 महीने की कोई पट्टी है, हालांकि ये सेम डे हैच हुई है। तो ये जो प्योर देसी मुर्गियां होती हैं ना, ये भी जिस तरीके से ये 4.5-5 महीने में अंडा देने लग जाती हैं हमारी गोल्डन मुर्गियां, तो ये प्योर देसी मुर्गियां ये कम अज कम 8-9 महीने लेती हैं ये भी अंडा देने में, अडल्ट होने में। तो इनका टाइम पीरियड भी बाकी मुर्गियों से थोड़ा ज्यादा होता है, इसीलिए ये हमें बाकी मुर्गियों से छोटी मालूम होती है और थोड़ी सी स्लिम स्मार्ट सी मालूम होती है। तो बाकी जो इस वक्त मलका के साथ बच्चे हैं, जो के आ गया फिर वापसी, जो कि इस वक्त ये हमारे पास बच्चे हैं, ये भी तो सारे के सारे प्योर देसी बच्चे हैं, एक बच्चे के अलावा या गंजे के अलावा बाकी सारे के सारे बच्चे जो है वो प्योर देसी कलर के हैं। मैं आपको चेक भी करवा देता हूँ अगर मलका मुझे इजाजत दे तो। माशाल्लाह दोस्तों ये देखें, पता नहीं फोकस हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, अब देखें थोड़ा सा रोशनी किया, इसकी कलगी चेक करें। मैंने आपको डे 1 पे दोस्तों 3 किस्म के चूजों को आपस में डिफरेंशिएट करने का तरीका बताया था कलगी के थ्रू, इसकी आप कलगी देखें बिल्कुल। आपको ये मैं किसी को अल्लाह ना करे धोखा दे के बेचने की कोशिश करूँ ना, तो मैं इसको असील चूजा कह के भी बेच सकता हूँ, अल्लाह ना करे कभी ऐसा मैं करूँ, लेकिन मैं ये देख रहे हैं आप बिल्कुल इसकी बनावट ऐसी है, गंजा गंजा चूजा है और कलगी बिल्कुल चिपटी है। इसको कोई भी नहीं कह, मैं किसी को बताऊँ तो बताऊँ कि ये गोल्डन मुर्गियों के अंडों में से निकले हुए और असील क्रॉस चूजे हैं, ये प्योर देसी हैं। नहीं तो शुरू में मैंने इतनी उम्र के बाबों को देखा जिनकी सारी जिंदगी
जो है वो मुर्गियों में गुजर जाती है, लेकिन उन्होंने डे वन पे गोल्डन और बच्चों का फर्क ही नहीं कहते, थोड़े बड़े होंगे फिर पता चलेगा, थोड़े बड़े होंगे तो ये किसी को बंदा बताए तो उसे पता चलेगा, नहीं तो देखने वाले को नहीं पता चलता। लेकिन मैंने आप लोगों को डे वन के ऊपर इनको आपस में अलग करने का कि देसी इनकी क्या आपस में मतलब अलग अलग कैसे करते हैं, क्या निशानी होती है, वो वीडियो भी मेरे चैनल पे पड़ी हुई है, आपने अगर नहीं देखी तो वो वीडियो आप देख सकते हैं, तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था। अब ये अकेली इस चूजे के साथ घूम रही है। तो ठीक है दोस्तों, ये था आज का ब्लॉग। अगर ये आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इसको लाजमी से लाइक कीजिएगा दोस्तों, इसको शेयर कीजिएगा अपने पेट लवर दोस्तों के साथ। हम मिलेंगे आपसे कल एक नई वीडियो में, एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।